गुरुग्राम के भीमनगर में आम आदमी पार्टी की जनसभा हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने इनेलो बीजेपी व कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में SYL नहर के पानी को लेकर सभी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, जबकि इनेलो कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं, लेकिन सत्ता में रहते वक्त SYL का पानी नहीं लाई। नवीन जयहिंद ने प्रदेश के सभी वर्ग का साथ आप पार्टी को मिलने की बात करते हुए कहा कि आज हर वर्ग दुखी है और सब आपके साथ है। 2019 की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हालांकि पार्टी हरियाणा की सियासत में कितनी सफल होगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन पर चमत्कार होगा, सीबीआई को उखाड़ के फाड़ देंगे। सीबीआई मतलब कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आया, इनका टाइम पूरा हो गया। आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली के अंदर उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर दोस्तों मुझे मंजूर है मेरी बेटी की आंखों के आंसू, क्योंकि मैं चाहता हूँ यही मेरी पार्टी सरकार रह ली ना। एक गिलास पानी तो आया नहीं, बेटी पैदा होगी इनसे नहीं आया, पानी भी हमें लेगा। दादा भी SYL पे राजनीति कर रहे, पड़पोते भी एक गिलास पानी आए नहीं, बादल को पिलाएंगे चाहे वैसे पानी पानी करेंगे। लोगों ने ये ड्रामे बहुत देख लिए, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं, इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े पेमेंट लिया करता था, कैमरा दिखाओ, देखो जनता कैसे जुड़ रही है। ये बीजेपी वालों के प्रोग्राम देखो आप, ये जनता आई हुई है, ये आम आदमी है, पैसे में नहीं आया हुआ है, ये खुद आया हुआ है। और आम आदमी लड़ेगा चुनाव, आम आदमी पार्टी थोड़ी लड़ेगी। इस तरह दिल्ली में लड़वा था, इस तरह पिछले 7 साल हरियाणा का विकल्प ही आम आदमी पार्टी है, एक राजनीतिक विकल्प है। आम आदमी पार्टी ही हरियाणा में विकल्प है। बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, रोजगार, जवान, किसान की अगर कोई सोच सकता है तो आम आदमी पार्टी आएगा।